नमस्कार, मैं हूं काजल मिश्रा, स्वागत है आपका एनवन लाइव पर। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की मुख्य खबरों पर। नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लिया हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की बैठक की अध्यक्षता। बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ सीएम ने लिया सामूहिक चित्र। मुख्यमंत्री ने हिमाचल के लिए विशेष पैकेज की मांग और राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों को भी बैठक में उठाया। न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का नियुक्त किया गया मुख्य न्यायाधीश। केंद्र सरकार ने इस बारे में जारी की अधिसूचना। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति ए एस सैयद की सेवानिवृत्ति के बाद न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव को अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति देने की थी सिफारिश। प्रदेश सरकार ने डॉक्टरों को मिलने वाले नॉन प्रैक्टिस अलाउंस को बंद करने का लिया है निर्णय, जिसको लेकर घिरती हुई नजर आ रही है सरकार। डॉक्टरों ने सरकार के फैसले का विरोध करते हुए काले बिल्ले लगाकर अस्पतालों में दी सेवाएं। विरोध को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टर की विभिन्न एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ सचिवालय में की बैठक, लेकिन बैठक में नहीं निकला कोई नतीजा। अब 29 मई से पेन डाउन स्ट्राइक पर जाएंगे डॉक्टर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल कुफरी में पर्यावरण नियमों के उल्लंघन पर लिया है कड़ा संज्ञान। एनजीटी ने प्रदेश के मुख्य सचिव सहित प्रधान सचिव पर्यटन और पर्यावरण से की है रिपोर्ट तलब। एनजीटी ने 12 जुलाई को निर्धारित की है मामले की सुनवाई। राजधानी के भवन मालिकों को अब 3 साल के बजाय सालाना देना होगा संपत्ति कर। नगर निगम शिमला में 3 साल बाद संपत्ति कर में की जाती रही है 10% की बढ़ोतरी, लेकिन नई व्यवस्था के लागू होने के बाद हर साल टैक्स में होगा इजाफा। नगर निगम शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान ने दिया बयान कि पहले 3 साल में 10% की जाती थी बढ़ोतरी, लेकिन अब GDP के हिसाब से सालाना टैक्स में की जाएगी बढ़ोतरी। प्रदेश में गैर कानूनी ढंग से बिक रही बाहरी राज्यों के शराब की रोकथाम के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग ने शुरू किया व्यापक अभियान। अभियान के सुचारू संचालन के लिए सभी जिलों के लिए 30 टीमों का किया गया है गठन। राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त ने दिया बयान कि अभियान के तहत विभिन्न जिलों में छापे की कार्रवाई के दौरान पकड़ी गई अंग्रेजी व देशी शराब। कीरतपुर नेरचौक 4 लेन की सबसे बड़ी और अंत में बनकर तैयार हुई सुरंग से शुरू कर दिया गया यातायात। ट्रायल के तौर पर छोटे वाहनों के लिए शुरू की जा रही 1800 मीटर लंबी कैची मोड़ सुरंग। इसके भीतर सफाई कार्य और उपकरण लगाने का पूरा हो चुका है काम। वही सुरंग के दोनों छोर पर टारिंग का भी पूरा हो गया है काम। कीरतपुर मनाली 4 लेन पर मंडी से पंडोर तक 21 जून तक रात 12:30 बजे से सुबह 3:30 बजे तक बंद रहेगा यातायात। 21 जून तक जारी रहेगी यह व्यवस्था। प्रशासन ने इस व्यवस्था को कर दिया है लागू। इस दौरान वाहनों की आवाजाही के लिए विकल्प मार्गों को किया गया निर्धारित। प्रदेश सरकार ने भवनों की एटी को रिहायशी बनाने के लिए नियम कर लिया तैयार। विधि विभाग से मंजूरी के बाद अब सरकार इसके लिए मांग रही आपत्तियां और सुझाव। इसके बाद इसकी जारी होगी अधिसूचना। एटी की ऊंचाई बढ़ाने के लिए भवन मालिकों को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग या शहरी निकायों में नक्शा करवाना होगा रिवाइज। प्रदेश के कई भागों में मौसम खराब रहने के हैं असर। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के मैदानी मध्य व उच्च पर्वतीय कई भागों में 30 मई तक बारिश जारी रहने की है संभावना। ऊंची चोटियों पर भी हो सकती है हल्की बर्फबारी। इस दौरान एक दो स्थान पर अंधर चलने का येलो अलर्ट भी हुआ है जारी। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनवन लाइव।